इतिहास की अगर बात करें तो राजस्थान ऐतिहासिक इमारतों के लिए अपनी अलग पहचान रखता है। वहीं अगर राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी कस्बे की बात करें तो खेतड़ी स्वामी विवेकानंद को लेकर उनके यहाँ से बने रिश्तों को लेकर अपनी अलग ही पहचान रखता है। इसी पहचान से आपको रूबरू करवाने पहुंची नवतेज टीवी की टीम स्वामी विवेकानंद संग्रहालय में। मेरे पीछे आप जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, रामकिशन मिशन द्वारा निर्मित ये स्वामी विवेकानंद अतिथि संग्रहालय है। आइए इसमें देखते हैं और आपको बताएंगे स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़े ऐसे तथ्य जिनसे आप अभी तक वाकिफ नहीं हैं। जैसे ही हमारी टीम ने संग्रहालय में प्रवेश किया, इसकी बनावट ऐसी है कि संग्रहालय में आने वाला हर व्यक्ति इसे देखकर अभिभूत हो जाए। वही इतिहास पुरुष स्वामी विवेकानंद की यादें खेतड़ी के रग रग में बसी हुई है, क्योंकि खेतड़ी से स्वामी जी का अजीत विवेक प्रेम था, जिसे वो इस जगह से काफी करीब से जुड़े हुए थे। उन्हीं यादों का ताजा करने के लिए अजीत विवेक संग्रहालय का निर्माण किया गया। हमारी टीम इस संग्रहालय में गई और इस संग्रहालय के इतिहास के बारे में जाना, साथ ही साथ संग्रहालय के एक एक कोने को आप तक पहुँचाया। खेतड़ी में देश का ऐसा संग्रहालय बनाया गया है जहाँ पूरे देश के लोग खेतड़ी में आकर राजा अजीत और विवेकानंद की दोस्ती की मिसाल को देख सकेंगे। वहीं खेतड़ी में देश का तीसरा सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया गया। इस संग्रहालय में विश्व स्तर की नामचीन चीजों का उपयोग किया गया है, साथ ही साथ इस संग्रहालय में स्वामी विवेकानंद से जुड़ी तमाम चीजों को अच्छे से दर्शाया गया है। इस संग्रहालय के बारे में जितना भी बताया जाए उतना कम है। इस संग्रहालय की अद्भुत सुंदरता स्वामी विवेकानंद के इस जगह से जुड़े लगाव को बखूबी दर्शाती है। इस संग्रहालय से जुड़ी तमाम बातों को जानने के लिए हमने यहाँ के गाइड से भी बात की, जिन्होंने इस संग्रहालय से जुड़ी बातों को अच्छे से हमसे साझा किया। जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये स्वामी विवेकानंद का बहुत महती स्थान है। ये स्थान केवल एक भवन मात्र नहीं है, ये वो स्थान है जहाँ पे स्वामी विवेकानंद और राजा बहादुर अजीत सिंह जी की पावन स्मृतियाँ जुड़ी हैं। ये वो स्थान है जहाँ युगांतकारी घटनाओं का सृजन हुआ और स्वामी जी का यहाँ 3 बार खेतड़ी में आगमन हुआ। जब उनका आगमन हुआ तो उनका इसी भवन में प्रवास भी हुआ था। स्वामी विवेकानंद की स्मृतियों को, उनके उपदेशों को, राजा बहादुर अजीत सिंह जी और स्वामी जी के साथ में उनके संबंधों को, गुरु संबंध, साथ ही उनके मित्रता के संबंध, इन सबको उजागर करने के लिए और संपूर्ण भारतवासियों को, विश्ववासियों को ये संदेश देने के लिए कि हमारे महान स्वामी विवेकानंद किस प्रकार से आध्यात्मिक विरासत थे हमारी, इसके लिए इसे अजीत विवेक संग्रहालय में तब्दील किया गया है। इससे पहले ये फतेह विलास महल था और राजा बहादुर अजीत सिंह जी का कोर्ट हुआ करता था यहाँ पे। ये जो बिल्डिंग है, ये कोर्ट हुआ करती थी पहले, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ, कब हुआ? इस बिल्डिंग का निर्माण होने में 8 वर्ष लगे हैं और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और दूसरे दानदाता आदि सभी ने मिलकर के इसको समन्वित प्रयासों के साथ में इसका निर्माण करवाया। और निर्माण के नहीं कहूँ तो मुझे ये कहना चाहिए कि इसका पुनरुद्धार हुआ है। इसके अंदर वास्तु और दूसरी जो कलाएं हैं और इसका जो स्थापत्य, उसे सुरक्षित रखते हुए इसका निर्माण किया गया है। NID ने इसमें सहायता की है और साथ ही साथ केंद्र और राज्य सरकार का मार्गदर्शन भी इसमें प्राप्त हुआ है। ये संग्रहालय खेतड़ी की ऐतिहासिक पहचान तो है ही, साथ ही आर्थिक तौर पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संग्रहालय में सभी चीजें उसी तरह से हैं जिस तरह से स्वामी विवेकानंद किया करते थे। जैसे कि जिस कमरे में स्वामी विवेकानंद विश्राम किया करते थे, उसे अब ध्यान कक्ष बना दिया गया है। साथ ही अगर कमरों को देखा जाए तो उनमें किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। दरवाजों से लेकर फर्श तक वही है जो स्वामी विवेकानंद के जीवन के मूल्यों का जीता जाता प्रमाण पेश करता है। इस संग्रहालय में जाकर ऐसा अनुभव होता है कि आज भी स्वामी विवेकानंद हमारे बीच में ही बसते हैं। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।